क्वेश्चन क्या है, एम माइनस एन माइनस एन प्लस एन, ये क्या होगा, एम माइनस एन ऐसे ही हो जाएगा। अब ये जो माइनस है इसको इस एम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, एन से भी करेंगे। पहले हम इसे माइनस को एम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस को हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस एन, ये जो हमारे पास है ये भी माइनस एन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस एम है, ये माइनस एम है, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू एन इसका आंसर आ जाएगा। माइनस एन माइनस एन इजिकल टू माइनस टू एन इसका आंसर आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, टू पी प्लस क्यू प्लस टू आर माइनस, ये डॉट जाने के लिए उन्होंने माइनस को इस ब्रैकेट पूरी से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ पी से या क्यू से, एक से नहीं करना। ये वन टू थ्री, थ्री तीन ही चीज़ों से मल्टीप्लाई करना है इसको। इसको आप क्या करोगे, ये ऐसे ही रहेगा, टू पी प्लस क्यू प्लस टू आर माइनस पी हो जाएगा। पहले माइनस को पी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस को क्यू से करेंगे, फिर माइनस को आर से करेंगे, माइनस क्यू माइनस आर, ये सब माइनस हो जाएंगे, ये सब प्लस हैं, ये माइनस है। अब हमारे पास यहाँ पे टू पी माइनस पी, ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस टू आर माइनस आर हो जाएगा हमारे पास। ये अब इसे एक एक कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, पी बच जाएगा, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारे पास आर बच जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आएगा, पी प्लस आर, ठीक है।